हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में जाना था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि जो वर्नियर कैलिपर हमारा होता है, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि ये हमारा 0.1 मिलीमीटर का भी होता है, 0.02 मिलीमीटर का भी होता है और 0.05 मिलीमीटर का भी होता है। आपको मैंने बोला था पिछले क्लास में हम लोगों ने 0.1 मिलीमीटर की लीस्ट काउंट के बारे में जाना था। आज हम लोग 0.02 मिलीमीटर की लीस्ट काउंट के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैंने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमारा फॉर्मूला था लीस्ट काउंट निकालने का। एक और फॉर्मूला था, क्या था हमारा, मेन स्केल के मुख्य एक भाग का मान, एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। ये हमारा क्या था, दो हमारा फॉर्मूला था। एक था हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक फॉर्मूला क्या था हमारा, मेन स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह 0.02 मिलीमीटर की लीस्ट काउंट को निकाला जाता है। मैंने आपको बोला था कि जो वर्नियर कैलिपर हमारा होता है, इसमें हमारे दो स्केल होते हैं, एक हमारा मेन स्केल होता है और एक हमारा वर्नियर स्केल होता है। आपको मैंने ये कहा था लास्ट क्लास में कि जो मेन स्केल हमारा होता है उसमें हमारा सेम एकदम सिंपल हमारा डिवीजन होता है, 0 से 10 मिलीमीटर, 10 से 20 मिलीमीटर, 20 से 30 मिलीमीटर, इस तरह से हमारा आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो वर्नियर स्केल होता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसी 0 से 10 मिलीमीटर को क्या करते हैं हम लोग, सब डिवाइड कर देते हैं, यानी इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह 10 को, 10 से 20 को भी डिवाइड कर देते हैं, 20 से लेकर के 30 तक को भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 30 से लेकर के 40 तक को भी डिवाइड कर दिया जाता है और 40 से लेकर 50 तक को भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से 50 मिलीमीटर, लेकिन ये हमारा जो 49 मिलीमीटर का लाइन है, कौन से मीटर का लाइन है, 49 मिलीमीटर, 49 मिलीमीटर की लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसी 49 मिलीमीटर को नीचे, हम ऊपर हमारा मेन स्केल है, ऊपर क्या है हमारा मेन स्केल है, नीचे हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। तो क्या होता है, वर्नियर स्केल में क्या करते हैं, 49 मिलीमीटर को 50 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या है, 0 से 50, मतलब कि 49 मिलीमीटर है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना पूरी 49 मिलीमीटर है, लेकिन इसे क्या करेंगे, 50 भागों में बांट देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, 49 मिलीमीटर टोटल हमारा है, कितना है, 49 मिलीमीटर है, लेकिन इसी 49 मिलीमीटर को क्या करते हैं, 50 भागों में बांट देते हैं। यानी कि इसकी जो 50 की जो डिवाइड होती है, यानी इसकी जो 50वां भाग होता है वो 49 मिलीमीटर से कॉइंसाइड करता है। ध्यान से समझना आप लोग क्या मैं बोल रही हूँ, ये जो 50वां भाग होता है किसका, वर्नियर स्केल का, वो क्या होता है, 49 मिलीमीटर के लाइन से कॉइंसाइड कर जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 मिलीमीटर को 50 भाग में बांट देते हैं, तो एक भाग का जब मान निकालेंगे, वन पार्ट इक्वल टू 49/50, ये हमारा क्या आ गया, एक भाग का मान आया, किसका, वर्नियर स्केल का। उसी तरह अगर मेन स्केल में एक पार्ट का मान निकाले, यहाँ ध्यान दीजिए, मेन स्केल में क्या है, अगर एक पार्ट का मान निकालेंगे तो 0 से 10 हमारा है, 0 से 10 है, अगर एक पार्ट का मान निकाले, एक भाग का मान निकाले
तो हमारा आएगा 1 मिलीमीटर। ये है क्या हमारा 1 मिलीमीटर आएगा। अब ध्यान देते हैं अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था हमारा लिस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारा, 1 मेन स्केल डिवीजन हमारा है 1 मिलीमीटर। कितना है 1 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है हमारा, आपको जैसे कि मैंने बोला इसके एक पार्ट का मान कितना है हमारा 49/50 आया हमारा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड एलसीएम लेंगे 50, ये हमारा 50 माइनस 49। आपको मैंने एलसीएम बताया था किस तरह एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, 50 में से 49 जाएगा हमारा तो 1/50 आ गया हमारा। अब देखिए 1/50 है, ये हमारा कटेगा नहीं तो कैसे काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, जीरो एक बैठाएंगे, वरना 10 हमारा, फिर एक जीरो कहाँ लगाएंगे और यहाँ और एक जीरो बैठाएंगे, बन गया हमारा 100। तो 52 जा 100, तो कितना आ गया हमारा 0.02 मिलीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि लिस्ट काउंट हमारा 0.02 मिलीमीटर होता है। और एक हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा लिस्ट काउंट का, मेन स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है, देखिए यहाँ पर मेन स्केल के एक भाग का मान हमारा है 1 मिलीमीटर। कितना है 1 मिलीमीटर, और डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या कितनी है, आपको जैसे कि मैंने बोला कि 49/50। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि लिस्ट काउंट का और एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो मेन स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो एक भाग का मान कितना है मेन स्केल का, तो एक भाग का मान हमारा है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर हमारा आ गया डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या कितने हैं, मैंने आपको बोला है कि 49 मिलीमीटर को 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि हमारा ये 49 मिलीमीटर है, इसे क्या करेंगे 50 भाग में बांट देंगे इस 49 मिलीमीटर को। तो कुल निशानों की संख्या कितनी आ गई हमारी 50। अगर 1/50 को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेम इसी तरह 1/50 हमारा आ चुका है, आ गया ना सेम कंडीशन। तो वही पॉइंट लगाएंगे, जीरो बैठाएंगे, 10 बन गया हमारा, फिर जीरो बैठाएंगे, जीरो बन गया, जीरो लगाएंगे तो 100 बन गया हमारा। तो 52 जा 100 क्या आता है हमारा, 52 जा 100। तो वही हमारा सेम निकल करके आ गया है 0.02 मिलीमीटर। फ्रेंड्स हम लोगों ने लिस्ट काउंट जो निकाला है 0.02 मिलीमीटर, वो दोनों फॉर्मूला से निकाल करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि किस तरह हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में जो हमारा अगला लिस्ट काउंट है 0.05 मिलीमीटर, उस लिस्ट काउंट को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर क्लास में कहीं भी समझने में दिक्कत आई हो या प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।